हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको साउथ कोरिया के सबसे हैंडसम और चार्मिंग एक्टर ली जुंग सुक के करियर के 5 बेस्ट ड्रामास बताऊंगा। मैं आपको जो 5 ड्रामास बताऊंगा उनमें से 3 हिंदी डब्ड है। मेरे लिस्ट का नंबर 5वां, नंबर 4था और पहले नंबर का ड्रामा हिंदी डब्ड है और नंबर 2 और तीसरा नंबर का ड्रामा आपको गूगल पर किसी भी वेबसाइट पर ओरिजिनल लैंग्वेज विथ इंग्लिश सबटाइटल में मिल जाएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के ले स्टार्ट। नंबर 5 पर है पिनोकियो ड्रामा। ड्रामे की कहानी काफ़ी ज़्यादा यूनिक और इंटरेस्टिंग है। ड्रामे की शुरुआत होती है हमारे मेल लीड डाल्बो से, उसे हमारे फीमेल लीड के दादा अडॉप्ट करते हैं। इसी वजह से वो हमारे फीमेल लीड का अंकल बनता है और हमारी फीमेल लीड इना को पिनोकियो सिंड्रोम नाम की बीमारी होती है। इस बीमारी की वजह से वो जब भी झूठ बोलती है तब उसे हिचकी आती है। तो आगे जाकर दोनों रिपोर्टर कैसे बनते हैं और दोनों का अंकल भतीजे का रिश्ता होने की वजह से उनके लव स्टोरी में क्या प्रॉब्लम्स आते हैं, ये जानने के लिए आपको ड्रामा देखना पड़ेगा। इसमें आपको मेल लीड की बहुत ही इमोशनल स्टोरी देखने मिलेंगी, वो भी फैमिली से रिलेटेड। पिनोकियो ड्रामे के टोटल 20 एपिसोड है जिनके लेंथ 1 घंटे के आसपास है और ये ड्रामा आपको MX एयर पर हिंदी डबिंग में मिल जाएगा और इसे IMDb ने 8.1 आउट ऑफ 10 की रेटिंग दी है। नंबर 4 पर है सीक्रेट गार्डन ड्रामा। ये ड्रामे में ली जुंग सुक ने सपोर्टिंग कैरेक्टर का रोल अदा किया था और इसी रोल की वजह से उसे साउथ कोरिया में पॉपुलैरिटी मिली थी। ड्रामे में हमारा मेल लीड बहुत बड़ा बिजनेसमैन होता है और हमारी फीमेल लीड एक स्टंट वुमन होती है जो कि बहुत खूबसूरत होती है। एक दिन हमारा मेल लीड फीमेल लीड को पसंद करने लगता है पर दोनों का अलग अलग फैमिली बैकग्राउंड होने की वजह से उनके लव स्टोरी में काफ़ी प्रॉब्लम्स आते हैं और इसी बीच दोनों की बॉडी स्वैप होती है, यानी दोनों की आत्मा एक दूसरे के शरीर में अदला बदली होती है। तो आगे काफ़ी कुछ अमेजिंग होता है, वो देखने में आपको काफ़ी मजा आएगा। सीक्रेट गार्डन ड्रामे के टोटल 20 एपिसोड है जिनकी लेंथ 1 घंटे के आसपास है और इसे IMDb ने 8.1 आउट ऑफ 10 की रेटिंग दी है। नंबर 3 पर है व्हाइल यू वेयर स्लीपिंग ड्रामा। ये ड्रामे में हमारी फीमेल लीड नामोंग जो सियोल में अपने माँ के साथ एक रेस्टोरेंट चलाती है और वो सपनों के जरिए फ्यूचर भी देख सकती है। और हमारा मेल लीड जे चेन एक प्रोसिक्यूटर होता है और वो होंगजो के पड़ोस में रहने आता है। तो दोनों के बीच लव स्टोरी कैसे स्टार्ट होती है और फीमेल लीड के फ्यूचर देखने से ड्रामे में क्या क्या इंटरेस्टिंग चीज़ें होती है वो देखने में आपको काफ़ी मजा आएगा। व्हाइल यू वेयर स्लीपिंग ड्रामे के टोटल 32 एपिसोड है जिनकी लेंथ 30 मिनट के आसपास है और इसे IMDb ने 8.3 आउट ऑफ 10 की रेटिंग दी है। नंबर 2 पर है डब्लू टूवर्ड्स ड्रामा। ये ड्रामे की कहानी दो दुनिया की है। हमारी फीमेल लीड रियल वर्ल्ड यानी हमारी दुनिया इसी दुनिया से बिलोंग करती है और हमारा मेल लीड वेबटून वर्ल्ड से बिलोंग करता है। एक दिन ऑथर वेबटून वर्ल्ड से मेन हीरो को मारने वाला होता है, तभी वो रियल वर्ल्ड से हमारी फीमेल लीड को वेबटून वर्ल्ड में ले जाता है। तो आगे वेबटून वर्ल्ड के सभी कैरेक्टर अपनी स्टोरी खुद बनाने लगते हैं। तो आगे काफ़ी कुछ अमेजिंग होता है, वो क्या ये जानने में आपको काफ़ी मजा आएगा। डब्लू टू वर्ड ड्रामे के टोटल 16 एपिसोड है जिनकी लेंथ 1 घंटे के आसपास है और इसे IMDb ने 8.1 आउट ऑफ 10 की रेटिंग दी है। नंबर 1 पर है डॉक्टर स्ट्रेंजर ड्रामा। ड्रामे की शुरुआत होती है हमारे मेल लीड के फादर से उन्हें नॉर्थ कोरिया जाना पड़ता है और अपने बेटे को साथ लेके जाते हैं। पर नॉर्थ कोरिया में कुछ ऐसा होता है जिस वजह से उनका मर्डर होता है और हमारा मेल लीड वह फंस जाता है और आगे जाकर वो पढ़ लिख कर डॉक्टर बनता है। फिर उसके लाइफ में कुछ ऐसा होता है जिस वजह से वो साउथ कोरिया आता है। वह आने पर वो एक हॉस्पिटल में काम करने लगता है। साउथ कोरिया में उसके लाइफ में क्या ट्विस्ट एंड टर्न आते हैं और इसी बीच उसकी पेरिसी लव स्टोरी के बीच में काफ़ी ट्विस्ट आते हैं, वो क्या ये देखने के लिए आपको ड्रामा देखना पड़ेगा। डॉक्टर स्ट्रेंजर ड्रामे के टोटल 20 एपिसोड है जिनकी लेंथ 1 घंटे के आसपास है और इसे IMDb ने 7.5 आउट ऑफ 10 की रेटिंग दी है। तो चलिए वीडियो का एंड करते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आएंगे तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूले और ऐसी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। तो मिलते हैं इस वीडियो में, तब तक के लिए बाय, स्टे सेफ, टेक केयर, अलविदा।